ओके फ्रेंड्स, फेसबुक से यार पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, हर कोई चाहता है कि फेसबुक से पैसे कमाना, यानी कि आपको यूट्यूब के बारे में तो पता होगा, और अगर आपको फेसबुक के बारे में नहीं पता कि भैया आप फेसबुक के पेज से भी पैसे कमा सकते हो, तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर यही डिटेल बताने वाला हूँ कि आखिर में फेसबुक ने कौन सी पॉलिसी के अंदर बदलाव किया, क्या बदलाव किया, सारी चीज़ें आपको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स पहले क्या होता था, फेसबुक का जो एक मोनेटाइजेशन के लिए जो एक उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पहले था कि भैया 30,000 आपके 1 मिनट व्यूज होने चाहिए, बट अभी वो बदल गया है, अभी उसको चेंज करके टोटल यहाँ पे कर दिया है कि भाई 60 दिनों के अंदर आपके जो है 6 लाख आपके व्यूज होने चाहिए, 6 लाख मिनट व्यूज आपके होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ 6 लाख मिनट व्यूज के, तो अप्रोक्सीमेटली इसका अगर कैलकुलेशन करें तो आप अप्रोक्सीमेटली आएगा 10,000 घंटे, यस 10,000 घंटे आएगा इसमें। तो यानी कि जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है 4,000 घंटे का वॉच टाइम, तो यहाँ पे आपको चाहिए 10,000 घंटे का वॉच टाइम। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि भैया आपका जो फेसबुक का पेज है वो आपके 10,000 उसके लाइक्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स अब ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को ऑन कर लेता हूँ और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आखिर में क्या फेसबुक ने ये चेंज लाया और क्या और रिक्वायरमेंट लाई, सब कुछ पूरी डिटेल। और हाँ, एक सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि आखिर में जो 30,000 वाला जो प्रोसेस था उसको किस जगह पे डाल दिया, ये भी सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे गाइड करूँगा। तो दोस्तों आ गया मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो ये मेरा लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो गया और आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एक यहाँ पे पेज है और ये पेज का नाम है घरेलू नुस्खे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पेज का नाम है घरेलू नुस्खे। और अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ इस पेज में, तो इस पेज के लाइक अगर आपको दिखाऊँ तो पेज के लाइक है 7993 और जो इसको फॉलो कर रहे हैं 8321, यानी कि 8321 लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और जो इसके लाइक है वो हैं 7993। अब दोस्तों अगर बात करें हम इसके पेज की एलिजिबिलिटी है या नहीं है, देखो पहली कंडीशन तो यही पता चल गई कि इस पेज की एलिजिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया सबसे पहली कंडीशन है कि 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, यानी 10,000 लाइक्स आपके होने चाहिए। अभी 2,000 और पेंडिंग है, आई होप कि कुछ दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी जिनका भी ये वेबसाइट, जिनका ये पेज है, उन्होंने एक्सेस दिया, थैंक यू सो मच कि आपने एक्सेस दिया कि मैं यहाँ पे सारी डिटेल बता सकूँ। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिशिंग टूल का, पब्लिशिंग टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिशिंग टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास में पूरा पेज का लेआउट, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है पेज का वो खुल जाता है, यानी कि जैसे हमारा YouTube स्टूडियो होता है, सेम ऐसे यहाँ पे पब्लिशिंग टूल के अंदर आपको एक मिलेगा क्रिएटर स्टूडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा क्रिएटर स्टूडियो। जैसे आप यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो आ चुका है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए क्रिएटर स्टूडियो आने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और अब आपको यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखनी है, वो क्या देखना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मोनेटाइजेशन का, लेफ्ट हैंड साइड पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा इसको क्लिक करेंगे आपके पास में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट अलग अलग सारी पेज हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज की एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे हम घरेलू नुस्खे को ले लेते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टेंट आर्टिकल, पेड और ऑनलाइन इवेंट्स, ये सारी चीज़ें तो एक्टिव है। अब हम थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखिए क्या रिक्वायरमेंट आ गई, इन स्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड, इन स्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड। आप यहाँ पे देखिए बेस्ट फॉर क्या है, बेस्ट फॉर ये कि भैया अपलोडेड वीडियोस कंटेंट सुटेबल फॉर एड्स, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्या है, 10,000 के आपको फॉलोवर चाहिए, सबसे पहला मैंने आपको बता दिया 10,000 के फॉलोवर चाहिए, एंड 10,000 फॉलोवर्स के साथ साथ आपके पास में यहाँ पे 6 लाख टोटल एलिजिबल मिनट्स व्यू इन द लास्ट 60 डेज। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 6 लाख आपको कम से कम मिनट व्यूज चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर अगर मैं इसमें ऑन करके दिखाऊँ आपको, मैं कैलकुलेटर में एक बार यहाँ से, तो हम यहाँ पे 6 लाख मिनट का व्यूज़, अगर हम इसको वॉच टाइम अगर काउंट करें, 6 यहाँ पे हम 6 0 डाल देते हैं 6 लाख, और यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई अगर हम कर देते हैं यहाँ पे 60, तो 60 से करते तो हमारे पास आ जाता है 10,000 घंटे का वॉच टाइम। कहने का मतलब ये है कि भैया 10,000 फॉलोवर्स चाहिए और 10,000 घंटे का वॉच टाइम भी आपको चाहिए आपके पेज की एलिजिबिलिटी यानी मोनेटाइजेशन के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे तीसरी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 एक्टिव वीडियोज़ ऑन योर पेज,
5 एक्टिव वीडियोस आपके पेज पे होने चाहिए, राइट। तो सो इस तरीके से आपने समझ लिया कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। बट इतना ही नहीं भाई, इतना तो चलो आप अगर कंप्लीट भी कर लेते हो, तो सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपका जो पेज है वो पॉलिसी वाले नहीं होना चाहिए। पॉलिसी किसी तरीके से, किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए आपके पेज के ऊपर। कोई ऐसी वीडियो ना हो जो आपके लिए नुकसानदायक हो आपके पेज के लिए, अदरवाइज आपको मोनेटाइजेशन कभी भी इनेबल नहीं होगा। अब फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे आगे, हम एक और सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ब्रांड कोलैप्स मैनेजर। दोस्तों इसके ऊपर एक स्पेशल एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि आखिर में ये ब्रांड कोलैप्स मैनेजर क्या होता है और ये इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या ये हमें ब्रांड वाले हमें कांटेक्ट करेंगे या हम उनको कांटेक्ट करेंगे। एवरीथिंग की कंप्लीट पूरी डिटेल मिलेगी वीडियो, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं इसके ऊपर वीडियोज लानी चाहिए, डेफिनेटली आपके पास में ये भी एक अर्निंग का एक मेथड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखेंगे आगे बेस्ट फोर क्या है, क्रिएटर विद एन एक्टिव लॉयल फॉलोइंग और यहाँ पर ओरिजिनल फोटो एंड वीडियोज एंड कंटेंट एंड क्रिएटर पेज टॉपिक मोस्ट ऑफ ब्रांड वॉन्ट सी एज रिस्की। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटीज की 1000 फॉलोवर्स और उसके बाद में 15,000 इंगेजमेंट पोस्ट पे चाहिए और 1,80,000 मिनट्स व्यूज चाहिए आपको और यहाँ पे 30,000 वन मिनट व्यूज ऑफ 3 मिनट्स वीडियोस एट लास्ट 60 डेज। दोस्तों ये वाली जो एलिजिबिलिटी थी, ये 30,000 वन मिनट व्यूज ऑफ 3 मिनट्स वीडियोस इन द लास्ट 60 डेज। दोस्तों ये वाली एलिजिबिलिटी पहले थी जो अभी 6 लाख कर दिया गया है। पहले ये था कि भैया आराम से आप जो है कम से कम 30,000 वन मिनट व्यूज़ आप कीजिए 60 दिनों के अंदर, बट अभी कर दिया है 6 लाख, यानी अभी थोड़ा सा और टफ कर दिया है इस चीज़ को। सेम इसी तरीके से बात करें यहाँ पे तीसरा मैथड फंड सब्सक्रिप्शन। दोस्तों फंड सब्सक्रिप्शन भी एक मैथड है पैसे कमाने का। इसके लिए एलिजिबिलिटी आप देखेंगे 10,000 फॉलोवर्स, 250 यहाँ पे रिटर्निंग व्यूअर्स और यहाँ पे 50,000 पोस्ट इंगेजमेंट्स और यहाँ पे 1,80,000 मिनट्स व्यूज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप जो है पैसे कमा सकते हैं। एक चौथा ऑप्शन भी है, क्या है ये नया ऐड हुआ है, और चौथा ऑप्शन जैसे यहाँ पर है इन स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव, यानी कि जब आप लाइव आते हो अगर फेसबुक पेज से, तो उसके दौरान आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि भाई 10,000 फॉलोवर्स, 6 लाख टोटल एलिजिबल मिनट्स व्यूज इन द लास्ट 60 डेज, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 60,000 एलिजिबल मिनट्स व्यूज एंड 5 एक्टिव वीडियोज ऑन योर पेज। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये यह कि ये कुछ मेथड्स हैं जहाँ से आप आसानी से फेसबुक पेज से भी अर्निंग कर सकते हो। तो आपने सब समझ ही लिया कि भैया क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और क्या आपको ज़रूरत है अपने पेज को मोनेटाइजेशन करने के लिए। बाकी इसके अलावा फिर भी कोई कंफ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट डीएम करो, डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। और आने वाले कुछ टाइम में मैं और भी फेसबुक से रिलेटेड और फेसबुक से रिलेटेड अर्निंग की और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार होगा आपकी अर्निंग सोर्स को बढ़ाने के लिए। बस फ्रेंड फिलहाल के दोस्तों इतना ही, चैनल पे होने चैनल को ले सब्सक्राइब और यार बेल आइकन को प्रेस कर लो, कमेंट बॉक्स में बताओ अपने मन की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।